पहुंच गए जन्नत। चलो गाइस अभी यहाँ पर डियर का हड्डियों का शायद जारी के इनका वाटर भी बहुत हैवी लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिल से नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तमंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर लाचेन पे। अभी हम रवाना हो रहे हैं गुरुदोंगमार लेक के लिए। 6:10 हो गया है। निकलने से पहले गाइस आप लोगों को ना यहाँ का सुबह का व्यू दिखाता हूँ। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नजारा। हेलो भाई गुड मॉर्निंग। ये रहा हमारा खूबसूरत लाचेन का ब्यूटीफुल नजारा। वाह गाइस देखो ये प्रेयर फ्लैग्स कितना अच्छी तरह से लहरा रहा है एंड बिहाइंड ब्यूटीफुल पहाड़। वाओ गाइस है ना बहुत खूबसूरत। चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पर देखो बहुत सारी गाड़ियाँ था रात में, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ तो निकल चुके हैं लेक के लिए। एंड यहाँ पर हमारा गाड़ी थोड़ा बहुत स्नो है दिखाई दे रहा है अभी। एंड ये वाला माउंटेन रेंज देखो गाइस। वाह हेलो जोजो, हेलो भौजू, गुड मॉर्निंग। दर्शन हो गए रेडी। तो गाइस यहाँ से सूरज निकल रहा है, यहाँ से हम निकल रहे हैं गुरुदोंगमार लेक। ये वाला पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है देखो। हो गया, लेट्स गो टू बुम बुम। गाइस देखो ये है ब्यूटीफुल लाचेन। आम मामू दे रहा था यूं भागो पहाड़। वाह गाइस ये देखो विंटर में ये पहाड़ कितना अच्छा दिखता होगा ना। अभी तो पूरा यहाँ तक स्नो नहीं है, सिर्फ ऊपर में है। वाह फिर भी देखो ना गाइस है ना बहुत खूबसूरत। रास्ता ब्लॉक हो गया, गाय ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर गाइस अभी नेचुरल वॉश हो रहा है गाड़ी का। पानी तो पहुंचते ना वाला नहीं गाइस, फ्री में कार वॉश हो गया अभी। चलो सही बात है, ये थोड़ा सा साफ हो गया। ब्यूटीफुल वैली पहुंच गए गाइस। वाओ चेक दिस आउट, व्हाट अ लवली व्यू, ब्यूटीफुल खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा। हम खाना कहाँ पर खाएंगे? थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर हम रुक के खाना वाना चाय वाय पी सकते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच गए यहाँ पर जहाँ पर हम आज का मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन जगह का नाम पता नहीं हम कहाँ पर पहुंच गए। खूबसूरती तो देखो गाइस, इतना खूबसूरत नज़ारा जो है। अभी पूछेंगे मतलब कौन सा वाला जगह है। ओके थांगू ढाबा, थांगू शायद जगह का नाम भी थांगू ही होगा, थांगू होगा थांगू। कहाँ गए चलो? ओ भाई साहब यहाँ पर आग मिल गए देखो। थांगू थांगू नहीं बोला करने, जगह का नाम थांगू है। थांगू थांगू में यहाँ पर आग मिल रहा है गाइस, राहत मिल गई राहत। थांगू डारा में गाइस ये देखो ये है मेन्यूज। इन्होंने मेरा थार का फोटो लिया, बहुत ही खूबसूरत देखो। थैंक यू सो मच। वाई वाई थांगू में खाएंगे, वाई 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 खा के यहाँ से करेंगे बाय बाय, फिर पहुँचेंगे वहाँ पर। ना थांगू ढाबा में ब्रेकफास्ट बहुत ही अमेजिंग था, मतलब फुल पेट हो गया है। एंड मौसम भी मतलब धूप खिल रहा है, इतना शांति लग रहा है ना। आने के टाइम में तो ठंड ज़्यादा था इसलिए जैकेट पहना था, फिर से मैंने जैकेट उतार दिया क्योंकि ना गाइस ज़्यादा इतना अच्छा धूप खिल रहा है देखो गाइस। वाओ फिर मिलेंगे चलते चलते है, नेक्स्ट टाइम आऊँ। ला भाई बाय बाय। मतलब खाना बहुत ही अच्छा था। थांगू में हमारा जो परमिट है वो सबमिट करना है, चलो अपना पेपर वर्क करते हैं फिर से निकलते हैं। छोटा सा मार्केट भी है एंड यहाँ पर अभी शायद बुझाना है। हवा देखो, हवा का झोंका आ रहा है। अभी यहाँ पर थांगू में अपना परमिट चेक हो गया है एंड यहाँ पर बोला है कि मतलब दूसरा और एक पॉइंट है जहाँ पर और एक चेक पॉइंट है, वहाँ पर भी सबमिट करना है। ये परमिट का बहुत सारा जेरॉक्स लेके आना क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सबमिट करना है तो आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। तो परमिट मतलब जेरॉक्स करके आना गाइस, 10-15 जेरॉक्स करके आना एटलीस्ट। पर हेलीकॉप्टर आ रहा है। हम पहाड़ की कितने करीब है। वाओ गाइस यहाँ पर हमारा एक दोस्त मिला, वो भी एक यूट्यूबर है, ब्लॉगर है। सो आपका नाम क्या है भैया? रवि। रवि नहीं नहीं, यूट्यूब का नाम RDX राइट से लिया, RDX राइट इंडिया। नाइस टू मीट यू। कहाँ से हैं आप लोग? हम तो दार्जिलिंग से, भैया कालिम्पोंग से, मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ। बॉम्बे से? ओ, फर्स्ट टाइम है आपका? यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही है। सोलो राइड? सोलो। देखो गाइस सर जी बाइक में आया है। एक चेक पॉइंट है जहाँ पर हमें ये परमिट सबमिट करना है, तो चलो यहाँ पर अभी देखते। तो वीडियो तो अलाउड नहीं है क्योंकि ये आर्मी एरिया है ना। हेलो जैन सर, सर ये कहाँ सबमिट कर सर? ओ भाई साहब इतना तेज हवा चल रही है। तो गाइस अभी फाइनली अपना मंजिल पहुंचने वाले हैं। गुरुदोंगमार लेक यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं। एंड गाइस रास्ता मक्खन है गाइस यहाँ पर। एंड जो व्यू है काफी अमेजिंग, लाजवाब व्यू। गाइस थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है यहाँ ना। लेक पहुंचने से पहले थोड़ा सा अपहिल है। एंड गाइस कितना करीब है गाइस, देखो हिमालय पर्वत के करीब। यहाँ पर बहुत मतलब अप है यहाँ पर, शायद बाइक्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर ना ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा कम है। मैं यहाँ पर बाहर विंडो से थोड़ा बहुत चिल्लाया ना, मतलब सांस फूल रहा है यार, सच में यार। यहाँ पर अगर आप लोग आओगे, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो मतलब आपका सांस फूल जाएगा। ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे करना है, जो कुछ भी करना है। तो थोड़ा सांस पूरा अवस्थित आइस बैठे। फाइनली गुरुदोंगमार लेक, गुरुदोंगमार लेक। वाओ देखो ये पहाड़, ये लेक, और यहाँ पर देखो लेक का जो कलर है ना, 2 कलर में अभी बांटा हुआ है। गुरुदोंगमार, गुरुदोंगमार लेक। फाइनली गाइस पहुंच गए जन्नत। गाइस सच में ये सच में गाइस बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील है लेक को देखने के बाद ना। गाइस सच में गाइस रोने का मन कर रहा है, सच में यार आंखों में आंसू आ रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है गाइस सच में। पता नहीं गाइस मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, सच में मुझे रोने का मन कर रहा है, सच में यार आंखों में आंसू आ रहा है, सच में यार। देखो आई एम लिटरली क्राइंग यार, आई कैन कंट्रोल माई इमोशन, सच में यार। जो मैं तो आंसू पाया था सच्ची होने को, पर यो इमोशनल फील भयो कि रोक्नै सकिन क्या, यस्तो इमोशनल फील भयो कि अब के भन्नु। देखो गाइस आंसू आ रहा है सच में यार। आई एम फीलिंग सो लकी, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड यार। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अल्टीट्यूड फील हो रहा है, मतलब बॉडी का जो वो है ना थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है। बहुत मजा आया, मतलब गुरुदोंगमार लेक ने रुला दिया गाइस सच में आज तो मुझे। यहाँ पर आके मैं रो गया सच में यार। मैं ज़्यादा हो कि मॉम और डैड को जरूर एक बार मैं लेके आऊँगा, प्रॉमिस तो नहीं करूँगा लेकिन जरूर गाइस मैं लेके जरूर आऊँगा। यहाँ पर देखो हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग ले रहा है। नीचे जाते लेक में, लेक का पवित्र पानी लेके आता है एंड सबको बांटना भी है। भौजू न जाने हो, लेक में पानी भर के लेके आएंगे पूरा। अभी ना यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। आपको चक्कर आ रहा है सर? बहुत चकरा रहा है सच में यार। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, खांसी लग रहा है गाइस, खांसी। यहाँ पर अभी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा सच में, इतना ज्यादा चक्कर आ रहा है ना। मैं तो ढलने वाला हूँ, खींचो अंदर, अंदर खींचना। कपड़े फिर आना था। ऑक्सीजन लेने के बाद ना गाइस मतलब आँख खुल गए, ऐसा ऐसा जैसा लग रहा है ना। नाकसँग हाल्नु न दामी फिल हुँदो रहेछ। यसो यसो तान्नुपर्छ यो हो नि त। थकान चला गया। अभी हम लोग ने एक चक्कर लगाएंगे। मजा आया मजा। जन्नत पे पहुंच गया। गुरुदोंगमार लेक। एंड मैं रिकमेंड करूँगा गाइज, आप लोग ज़िंदगी में एक बार ना गुरुदोंगमार लेक ज़रूर विजिट करना गाइज। इतना इमोशनल प्लेस है, मतलब दिल को छूने वाला है गाइज। यहाँ पर आने के बाद ना मतलब आपका माइंड चेंज हो जाएगा। चलते चलते यहाँ पर पहुँच गए। एंड मतलब जितना दिखते हैं ना, मतलब डिस्टेंस सूर्य से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा राउंड है। सिर्फ एक राउंड ही मारेंगे। यहाँ पर हिमालय कितना नज़दीक है। अभी ना लेक का कलर आप देख सकते हैं 4 कलर में। यहाँ का कलर डिफरेंट है एंड थोड़ा सा ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है एंड बीच में हल्का सा ब्लू है, उसके बाद मतलब थोड़ा डार्क ब्लू है। देखो कलर चेंज है। वाह, लाइक अ रेनबो। जो हिमाल पर्वत है ना, जितना दिखने में करीब है उतना नहीं होता है गाइस। हम कब से चले जा रहे डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं रहे। अभी और एक चक्कर लगाना है। और अभी देखो कितना दूर है। देखो मतलब दोनों का हालत ख़राब हो चुका है। अभी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सांस लेना बहुत फूल रहा है। सांस माइंड कॉन्शियस नहीं हो रहा है गाइस। दिमाग बहुत हो रहा है। हम वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे। कभी ये भूल के जा रहे हैं, कभी वो, मतलब दिमाग अजीब सा हो रहा है। फोटो वोटो खींचने के लिए रोकते हैं ना, तो जल्दी भूल देते हैं ना, तो जल्दी उठाने के लिए भूल जाते हैं हम लोग। फिर देखूंगा मैं रिकॉर्ड किया कि नहीं। हाँ अभी रिकॉर्ड में नॉर्मली ज़्यादा लोग यहाँ तक नहीं आते। देखो कोई भी लोग नहीं है इस बार, सिर्फ हम दो नहीं है। एंड हम लोगों ने सोचा इतना दूर आया तो यहाँ पर टाइम तो स्पेंड करना ही है। एंड साथ साथ में पानी हम लेने के लिए आए हैं। एंड नॉर्मली बाकी के लोग वहीं से पानी लेके आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हिमाल के नीचे से पानी लेके जाएंगे। ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा बोलने में सांस फूल रहा है। मतलब जीव बहुत, मतलब शरीर बहुत भारी हो रहा है, भारी सा फील हो रहा है। चलो वहाँ जाके मिलते हैं आपको। बोल रहे कुछ तो, लेकिन जैसे ऑक्सीजन लोगे ना, मतलब फिर से एनर्जी इतना आते हैं ना, क्या मतलब फिर ही अलग होता है। हम लोग चल रहे हैं ना, ये सर जो है ना पूरा फ्रीज है। और ये दाँत का जो ऊपर का बोलते हैं ना, ये पूरा जीप खड़ा, जीप एकदम मोटा मोटा से फील हो रहा है, जैसे कि शराब पी। चलो चलो अभी गाना गाने के हालत में नहीं है। हाँ हाँ मिलते हैं हम लोग। लेक का कलर देखो गाइस, 2 कलर में है। अभी बाटा 2 कलर में है गाइस लेक। क्लाइंबिंग हो रहा है, रॉक क्लाइंबिंग। चलो गाइस अभी यहाँ पर छोटतेन बनाएंगे। छोटतेन ये भाई ये रख दिया यहाँ पर, इसको रख दिया यहाँ पर, इसको रख दिया यहाँ पर, और फिर इसको रख दिया। पहुँच गए। अभी थोड़ा और भी बनाना है। हाँ, कैसा है? छोटतेन बन गए, छोटतेन। सही था गाइस, अभी हमने बनाया छोटतेन। भाई देखो, वाह ब्यूटीफुल कलर। क्या फील है भाई सच में। आई लव यू गाइस। गुरुदोंगमार आने का मौका मिला और ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला लाइफ में गाइस। दिल खुश हो गया गाइस, दिल खुश। निकलने के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ से छलांग मारना पड़ेगा शायद। चलो गाइस चाहे जो भी हो जाए मारते हैं छलांग। अभी तो लेक का कलर पूरा ब्लू ब्लू हो गया। और ऊपर माउंटेन में हवा इतना ज़्यादा तेज चल रहा है ना, यहीं से सुनाई देता है हवा का आवाज़। सुनो देखो तेज हवा का झोंका है ये। लुक वहाँ पर मंदिर है देखो। गुरुदोंगमार लेक का मंदिर पहुँच गए। वाह आई एम सो ब्लेस्ड। सुंदर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। गुम्बा पूरा पत्थर से बना हुआ है, यहीं के पत्थर से। यहाँ पर ना खुशनसीब लोग ही आ पाते हैं एंड हम आ गए हैं एंड मनीष जी का भी दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पर कोई भी नहीं है। एकदम का खुशी जैसा बनाओ ना, ऊपर से खींचता रहो ना। अभी वो खींचो ऊपर से, हाँ नीचे में थोड़ा सा टर्न कर दो। सो गाइस और ज़्यादा मैं मन्नत तो नहीं मांगूंगा, मैं यही मन्नत मांगूंगा गाइस, मैं दूसरों को भी खुश रखूँ एंड खुद भी खुश रह सकूँ। ज़िंदगी में जस्ट खुशियाँ चाहिए गाइस, जिंदगी में एकदम शांति से अपना लाइफ बिता सकूँ एंड दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकूँ। यही है गाइस। ब्लेसिंग बहुत अच्छा मिल गया, अच्छा लगा। जब चलते चलते पता नहीं हम तो घूम गए, रास्ता हो गए घूम। जहाँ से हम आए ना वो जगह दिखाई नहीं दे रहा। देखो कहाँ है पता नहीं, देखो किधर है, नहीं दिखाई दिया। सो गाइस यहाँ पर देखो एक जानवर है, हिलता भी नहीं है, देख सकते। ये देखो क्या है, ये पता नहीं क्या है। देखो गाइस ये देखो यहाँ पर है, पता नहीं शिप जैसा है, पता नहीं क्या है। ऊपर जा रहा है। गुम्बा का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया था, इसलिए जो गुम्बा का दरवाज़ा बंद करना चाह रहे हैं। 2-3 नहीं बहुत सारे, देखो बहुत सारे यहाँ पर देखो। अभी वो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, ये देखो 4 रहे। यहाँ पर देखो गाइस भाग रहा है, देखो। ओ भाई साहब बहुत सारे हिमालयन वो जैसा शिप जैसा है। वाह गाइस देखो कितना अच्छा दौड़ रहा है। ऊपर चला गया ऊपर चला गया, देखो बहुत ऊपर चला गया। मुझे पता नहीं बहुत लेट कर रहा है, मुझे तो ऊपर जाके देखने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ पर, लेकिन नहीं जाऊँगा, बहुत रिस्की होगा शायद। जो आ क्यों नहीं रहा पता नहीं, यहाँ से आना है जोजो का। गाइस जोजो आ गया यहाँ से। एक जानवर का हड्डी भी मिला है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर खूंखार जानवर भी आता होगा, जैसे कि यू नो स्नो लियोपार्ड, आलू वगैरह, पता नहीं क्या क्या आता होगा। किस चीज़ का हड्डी है पता नहीं ये। वाह गाइस कितना ब्यूटीफुल बर्ड्स, लेक के ऊपर जा रहे हैं एंड हमारे जोजो भी आ गए। गाइस देखो जोजो डियर का हड्डी होगा शायद, हो सकता है। देखो गाइस इन पंछियों को खुले आसमान में अपना मजा ले रहे। वाह खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत। ऐसे नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है गाइस नेचुरली। देखो अजीब सा पंछी आ रहे हैं। अभी हांस देखो पानी में तैर रहे हैं, कितना अच्छे तैरे से ना। वाह ये देखो ये सारे के सारे शिप यहाँ पर आके रुके हैं, देखो। वाह बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला आज। यहाँ पर चट्टान में इनका कलर ना सेम होता है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। देखो दूर से तो एकदम नज़र नहीं आते, पर फिर देखो गाइस अलग सा नज़र आए। मतलब हांस जो है ना पानी में तैर रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटी बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत कुछ देखने को मिला। चलो गाइस अभी हिमालय भी क्रॉस करके आ गए हम, और यहाँ से अभी पानी भी लेंगे, पानी भी यहीं से लेंगे शायद। गाइस लेक में पहुंच गया अभी। इतना साफ सुथरा पानी जो है यार, वाह कितना अच्छा पानी है। देखो कितना साफ पानी है। अभी पानी के अंदर भी लगा के दिखाओ, कितना अच्छा साफ पानी है। पानी भी ले लिया है, 10-10 लीटर का जर्किन में 2 बोतल पानी लिया है। और अभी चलो चलते हैं, बैटरी भी लो हो गया। अभी डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग को ऊपर। सांस फूल रहेगा, मज़ा आ गया। एंड गाइस ये देखो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। वाह अभी देखो पानी ऐसे नज़ारा पड़ रहा है एंड अभी ना 10 लीटर का जर्किन का वाटर भी बहुत हैवी लग रहा है। अभी बहुत लंबा रास्ता है गाइस। जो देखो वहाँ पर पहुँच गए, बहुत मुश्किल से लेके आना पड़ा गाइस पानी। पूरा चलने के बाद फाइनली अपना डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पर। है ना गाइस, गुरुदोंगमार जो है बहुत ठीक है, लेकिन आज है यहाँ पर लोग आते हैं, उतना गंदा तो नहीं है। प्लास्टिक जो है ना मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं बाद में डस्टबिन में फेंक दूंगा। वहाँ पर किसी ने फ्रूट ही खा के फेंका है, चलो इसको भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसा मत करो गाइस प्लीज़, देखो कितना खूबसूरत है ना, ऐसा करेगा तो कहाँ होगा ना। गुरुदोंगमार लेक के आसपास से इतना सारा वेस्ट मिला है, देखो ये एक, और फिर देखो ये है, और फिर ये मिला, इतना ही मिला था गाइस, ज़्यादा नहीं है वेस्ट। चलो अभी चलते हैं, बहुत ही अच्छा। हरिकेन हरिकेन आ गए, हरिकेन के भन्छ यसलाई घुमाउने हावाला, घुमाउरियो वही त घुमाउने हावा। ये बड़े हावा बदल गया तो सब ट्रेसनेस कर देगा। फाइनली अभी गुरुदोंगमार लेक से निकल चुके हैं एंड मतलब अल्टीट्यूड सिकनेस गाइस, अभी तक मेरा जीप लड़खड़ा रहा है एंड वहाँ से आने के बाद बीमार हो गया मैं, अभी तक सर दर्द हो रहा है। अभी थोड़ा बहुत ड्राइविंग कर रहा हूँ एंड आगे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस। अभी एनर्जी लो है फिर भी मज़ा आ रहा है ना। वाओ कितना खूबसूरत नज़ारा। सब मिलते हैं नीचे डायरेक्ट। फिलहाल अभी हम है लाचुंग में, क्योंकि ना गाइस गुरुदोंगमार में ज़्यादा हम लोगों ने मतलब वहाँ पर जो परिक्रमा किया है लेक का, मतलब हेडेक इतना हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ गए थे, हमारे तबीयत खराब हो गया एंड फिर डायरेक्ट हम एक लाचेन में आ गए रूम चेकआउट करने के लिए। फिर खाना वाना खा के यहाँ आते आते इतना मतलब लेट हो गया गाइस, ऑलमोस्ट रात के अभी 10:30 हो गया है। तो जस्ट रूम पर जाऊँ और अभी बहुत ज़्यादा थक गए गाइस। कल आप लोगों को लाचुंग का नज़ारा दिखूंगा, थोड़ा बहुत लाचुंग 0 पॉइंट एंड कालापत्थर टूर करेंगे, फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा भूख भी लग रहा है, रात के 10 बजे अभी डिनर होने वाला है, 10 नहीं 10:30 हो गया ऑलरेडी। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म कर दे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं दर्शन व्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।